जब हम रांची में रहते थे ना, ट्वेल्थ में जब हम थे, हमने अपनी ट्वेल्थ की एजुकेशन रांची से की है, तो वहाँ पर जब हम पढ़ाई करते थे, तो जब हम पीजी में वहाँ पे रह के पढ़ाई कर रहे होते थे, मतलब रूम लेके अपना, तो हम बहुत मिर्चा डालेंगे सब्जी के अंदर में, और इतना मिर्चा जी कि मतलब ये समझ लीजिए सर से पसीना आना चाहिए। और उसके बाद जो मेरा मैथ तेज में बनेगा ना, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, नींद तो कोसों दूर मेरी गायब हो जाएगी। मतलब हम यहाँ पे दवा के दुकान पे पहुँचे कि भैया कोई ऐसा दवा दे दो कि जिससे हमको नींद नहीं आए, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी कमजोरी होती थी नींद। अगर मैं सो गया तो मैं पढ़ नहीं पाता था। तो वो बोलते थे भैया नींद लाने की दवा है, भगाने की दवा नहीं है। हमने कहा सॉल्यूशन क्या है यार, हम मिर्चा रख लिया अपने टेबल पे, पढ़ते रहेंगे खाते रहेंगे कि आओ अब तुम नींद कहीं से आ सकते हो। वो सोचो हम आपको एक और बताते हैं सॉल्यूशन, हम और क्या किए थे। ठंडी का समय होता था, कंबल हर किसी को प्यारा है। अब भैया कंबल में सो गए तो तुम्हारा सिलेबस भी सो जाएगा, तुम्हारा भविष्य भी सो जाएगा। जबरदस्ती का बिलीव नहीं करोगे, ठंडी के दिन की बात मैं बता रहा हूँ, सरसों वो जो ठंडी तेल आता है, नवरत्न का तेल आता है ना, एक रुपया वाला पैकेट लेके आएंगे और उसके बाद में उसको मल के यहाँ रखे हल्का हल्का, अब बार बार कर कर कहीं से आंखों पे करेंगे हमें, नींद नहीं आना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब रो रहा है आदमी, पढ़ रहा है, ऐसे ऐसे कर करके हम अपने आप को 11 बजे से लेके खींचेंगे 3 बजे रात तक, 4 बजे रात तक, ये आज पी ब्लॉक खत्म करना है केमिस्ट्री का, आज डी ब्लॉक खत्म करना है, आज ये खत्म करना है, बस नींद नहीं आने देना है यहाँ पे। तो इसीलिए तीखा से हमें तब से प्यार हो गया, ठीक है। अभी भी अगर मानिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लेकर आनी है ना, कुछ मत करिए, कोई भी चीज़ खा लीजिए तीखा वाला, जब तक सर से पसीना ना आए मज़ा नहीं आता है, बस ये वाली बात है। अब आप लोग तीखा खाना मत शुरू कर दें, सर बोले तीखा खाने से मज़ा आता है और मैथ्स अच्छा होता है, हम भी खाएंगे, पता चले अस्पताल में हो और माई बाबू जी हमको खोज रहे हैं आपके, कौन मास्टर है बताया बताओ जल्दी से, ऐसा काम नहीं करना है, ठीक है। बॉडी जिसका सूट करे जैसे वैसे लेना है यहाँ पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, जानकारी मिली, आप सेटिस्फाई हुए, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और आगे लोगों तक भी अपने शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।